हर खबर से बाखबर हमारी ये सब पे नज़र। एशियन टीवी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद के इलाके जहनुमा में मौजूद खुली खुतुब शाह स्टेडियम में आज IPS इंटरनेशनल द स्कूल फॉर ग्लोबल लीडर्स ऑफ टुमारो की जानिब से एनुअल स्पोर्ट डे 2018 का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मेहमान खसूसी डॉक्टर शेख रफीक ने शिरकत करते हुए बच्चों की हौसला अफजाई की है। पेश है इस मामले में हमारे नुमाइंदे शेख शाहिद की ये रिपोर्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तमाम मीडिया पर्सन्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को और जो है पेरेंट्स को और तमाम जो व्यूवर्स हैं उनको आज IPS इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे 2018 के मौके पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं आप सबका। और मैं चाहता हूं कि IPS का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूं मैं इंशाल्लाह। तो IPS इंटरनेशनल स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो CBSE सिलेबस के साथ में आलिम कोर्स, हिफ्ज़ कोर्स और साथ में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, जो दावा स्किल्स है उसको भी जो है बच्चों को फराहम किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। और ये एक ऐसा स्कूल है जो डिज़ाइन किया गया यूनिवर्सल इस्लामिक रिसर्च सेंटर UARC के दुआत, जो मेरे साथ में यहाँ पे आपके सामने ठहरे हैं, जो ब्रदर शफी प्रेसिडेंट UARC और ब्रदर सिराजुरहमान जनरल सेक्रेटरी UARC, ब्रदर खिजर वाइस प्रेसिडेंट UARC और साथ में शेख रफीक मदनी जो अभी माशाल्लाह वो बिजी है स्पोर्ट्स इवेंट्स के साथ में, जो इस्लामिक स्टडीज़ के डायरेक्टर हैं हमारे, ये तमाम लोग जो माहिरीन है, जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं एजुकेशन फील्ड में, पब्लिक स्पीकिंग में, ये सब मिलकर एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन किए कि जो एक बच्चा नर्सरी में जो ज्वाइन होता है IPS इंटरनेशनल में 10+2 तक, वो बच्चा फाइव लैंग्वेजेस में जो इंटरनेशनल लेवल वो स्पीकर बनेगा, अरबिक, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगू और उर्दू, और ये 5 लैंग्वेजेस में माहिरीन स्पीकर बनने के साथ में वो हिफ्ज़ भी करेगा। और IPS सिर्फ हिफ्ज़ कराना नहीं, हिफ्ज़ की कैसा हिफाजत किया जाए उसका भी पूरा इंतज़ाम करता है। तरावी के स्पोर्ट्स को बच्चों के इंतज़ाम करना स्कूल में, और उसके बाद हिफ्ज़ कॉम्पिटिशन्स रखना, और जब तक बच्चा फिफ्थ के बिफोर हिफ्ज़ में फारिग होना है, और फिफ्थ के बाद में जब तक वो CBSE सिलेबस करते रहेगा वो हिफ्ज़ भूल ना जाए, 2 पीरियड उसको हमेशा हिफ्ज़ की मीटिंग किया जाता है। और जो आलिम कोर्स है वो ऐसा आलिम बनेगा कि वो 5 लैंग्वेज में खतीब बन सकता है, वो स्टेट्स में जाएगा तो इंग्लिश में जो है खुतबा दे सकता है, वो अरब के ममालिक में जाएगा तो अरबी में खुतबा दे सकता है इंशाल्लाह, और जब वो आंध्रा के मुकामात में जाएगा तो तेलुगु में वो जो है अपना दावा का काम, अपना खतीब खुतबे का काम कर सकता है। इसी के साथ साथ जो है IPS इंटरनेशनल तमाम लाइफ स्किल्स, 99 लाइफ स्किल्स को बच्चों के अंदर प्री प्राइमरी लेवल से डेवलप करते हैं, जैसे इंग्लिश एक्सेंट है, उसी तरह जो है बिहेवियर स्किल्स है, लिजनिंग स्किल्स है, कॉग्निटिव स्किल्स है, ये कई चीज़ें जो है इम्पार्ट किए जाते हैं फ्रॉम प्री प्राइमरी लेवल। और ये एक ऐसा स्कूल है जिसके ज़रिए से बच्चे दुनिया और आखिरत दोनों के जो दोनों वर्ल्ड्स में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और वो ऐसी कामयाबी ऐसे स्टैंडर्ड के साथ में है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी मेडल्स मिले, और जो विनर्स हैं उनको मिले, विनर्स को हर जगह मिलते हैं, यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी हिम्मत अफजाई किया जाता है, और बहुत जो है ना मोटिवेशन के थ्रू जाता है। और मैं हैरान हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे स्टूडेंट्स का, जो इतने चीज़ों को बड़ी आसानी के साथ में बड़े इन्जॉय करते हुए जो सीख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और टीचर्स की और हमारे इंचार्जेस की जो दाद देता हूँ, जो माशाल्लाह इतने सारे चीज़ें बच्चों को हंसते हुए खेलते हुए और जो इंटरेस्ट के साथ जो सीख रहे हैं, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन कामयाबी अता फरमाए, आमीन। और आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि IPS इंटरनेशनल के 4 ब्रांचेस हैं, एक मलकपेट जो अकबरबाग में है जो मेन ब्रांच है, उसके बाद कोली चौकी में एक ब्रांच है जो टूम्स रोड के ऊपर IPL हॉस्पिटल के पास, और जहानुमा जो है वो शमा थिएटर के पास एक ब्रांच है, उसी तरह मेदक डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरिया में वहाँ पे एजुकेशन सर्विसेज देना बोल के 3 ब्रांचेस सिटी में, 1 ब्रांच रूरल में, हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट बना के उसको एजुकेशन को सर्विस दे रहे हैं। ये 4 ब्रांचेस में आप लोग इंशाल्लाह जहाँ पे भी करीब आपको ब्रांच हो विजिट करिए, और अपने बच्चे का, ज़िंदगी का, मुस्तकबिल का आप बेहतरीन फैसला करिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको दीन पर कायम रखे, और ऐसे स्कूल्स का इंतखाब करके अपने बच्चों का बेहतरीन मुस्तकबिल बनाने का हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। बेहतरीन अंदाज में स्पोर्ट्स डे का इंतजाम हुआ है, अल्लाह इसमें और बेहतरीन तरक्की अता फरमाए। आज प्रोग्राम के गेस्ट ऑफ ऑनर्स आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रफीक साहब और शहीदुद्दीन साहब, माशाल्लाह वेलकम यू ऑल। माशाल्लाह IPS इस्लामिक पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल बहुत बेहतरीन अंदाज में इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, माशाल्लाह ग्रैंड इवेंट, इसमें सारे बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके अंदर विनर्स लूजर्स दो कसम से नहीं है, पूरे के पूरे लोग विनर्स
ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया जा रहा है, सारे लोगों के लिए मेडल्स दिए जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बेहतरीन अंदाज में एक मोटिवेशन है इनके लिए। ये जो कॉन्सेप्ट जो डिजाइन किया गया है माशाल्लाह, सैयद इलियास अहमद भाई डायरेक्टर इंचार्ज आईपीएस इंटरनेशनल माशाल्लाह, इनके गाइडेंस के अंदर इनके मैनेजमेंट में जो काम चल रहा है काफी अच्छा आगे बढ़ रहा है। मैं दुआ करता हूँ सारे के सारे टीम मेंबर्स को, टीचिंग स्टाफ और जो इवेंट में जो भी इन्वॉल्व है और सारे पेरेंट्स सारे बच्चों के लिए माशाल्लाह दुनिया में कामयाबी दे।